हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा ये वीडियो मतलब मैंने जो नॉर्थ ईस्ट राइड किया था 13 दिन का, तो उसमें मैंने कितना खर्चा किया सब कुछ है, मतलब कहाँ पे मैंने स्टे किया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और इसमें मैंने कवर किया था आपका 3 स्टेट, आसाम तो छोड़ दीजिए क्योंकि गुवाहाटी में हम लोग जाके देन उसके नेक्स्ट दिन हम लोग निकल गए मेघालय के लिए। तो हम लोग कवर किया मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, ये 3 स्टेट। ये तीनों स्टेट काफ़ी अच्छा था और इन लोगों का जो कल्चर है तीनों स्टेट का अलग अलग है। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, मतलब मैंने कहाँ पे था, मैंने कौन सा रूम बुक किए थे, मैंने हम लोग कौन सा डोमेट्री में था, होम स्टे में था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बनाया, तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये मैंने लिस्ट में सब कुछ लिख के लाया, मतलब कहाँ पे मेरा कितना खर्चा हुआ, पूरा एपिसोड है वो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। पेट्रोल का जो मुझे लगा वो 6,350 रुपये, मैंने ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था। तो मैंने कहाँ पे स्टे किया था मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब होटल का एड्रेस दे दूंगा, मतलब जितना भी हो सके मैं आपको। और हम लोग 2 बार ओयो रूम में था, ठीक है, 2 दिन जो गुवाहाटी में, और होटल लिया था हम लोगों ने शिलोंग, सिलचर एंड इम्फाल मणिपुर में, ठीक है। और उसके बाद होम स्टे में था हम लोग चेरापूंजी में, टोटल 3 दिन। उसके बाद सुकू वैली में हम लोग मतलब 10 किले 1 दिन रुके थे। देन उसके बाद हम लोग कोहिमा में एक डोमेट्री में था, काफ़ी अच्छा डोमेट्री था, मैं तो डोमेट्री में पहली बार आया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डोमेट्री। देन उसके बाद ये हो गया स्टे का, ठीक है। इसका पार्ट्स में मुझे लगा ऑलमोस्ट 1170 रुपये, क्योंकि मैंने मेरा जो सर्किट है सिलीगुड़ी टू गुवाहाटी वाला, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा, मतलब मेरा बाइक का जो मतलब एक जो मतलब अपर डिपर का जो स्विच होता है वो स्विच का पूरा सर्किट मेरा ख़राब हुआ था, तो इसीलिए मैंने उसको चेंज कराया। और उसके बाद नॉर्मल बाइक का क्लीनिंग का, उसके बाद बाइक वॉशिंग का, टोटल लेके मुझे 1170 रुपये लगा। मेघालय जाते हैं, मेघालय पे हर जगह आपको टिकट मिलेगा, टिकट तो है नॉर्मल सा बात है। उसके बाद बाइक का पार्किंग, कैमरा का चार्ज, मतलब डबल डेकर रूट ब्रिज जो है, मतलब लिविंग रूट ब्रिज जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग गया था। वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा था, वो वीडियो में भी मैंने कवर किया था, अगर आप गोप्रो लेके जाते हैं गोप्रो का अलग चार्ज, अगर आप DSLR लेके जाते हैं उसका अलग चार्ज, अगर आप फिल्म शूट करते हैं उसका अलग चार्ज। तो टोटल मुझे ये टिकट, कैमरा और आपका पार्किंग का चार्ज मिला गया 415 रुपये। और कार रेंट, मतलब कार मतलब क्या, छोटा सा जो गाड़ी होता है, सुकू वैली जो था 8 किलोमीटर हम लोग कवर किए थे, 8-8, 16 किलोमीटर जाने में 8 और आने में 8, उसमें हम लोगों को लगा था, 2 आदमी का लगा था 3,000 रुपीज़, क्योंकि आने का 1500 और जाने का 1500। और हम लोग मणिपुर में लोकटक लेक है, तो लोकटक लेक में हम लोग गया था, तो वहाँ पे था आपका एक टोटो लिया था हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ से गाड़ी अलाउ नहीं था, तो उसके लिए टोटो में लगा हम लोगों का 25-30 रुपये ऐसा। तो अभी आ जाता है हम लोग फूडिंग में, तो फूडिंग में हम लोगों का टोटल लगा 5,200 रुपये। और मेरा एक्स्ट्रा जो लगा 3,000 रुपीज़, मुझे उतना याद नहीं है कहाँ पे क्या लगा, डेली जितना भी हम लोगों का मतलब ये होता था, खर्चा होता था, मैं वहाँ पे लिख के रखता था, क्योंकि हम दोनों गया था मैं और अनुपदा, तो इसीलिए वो रखना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। तो कहीं कहीं अनुपदा देता, कहीं कहीं मैं देता, तो इसीलिए हम लोगों का मतलब थोड़ा सा मतलब पता है आपको क्या हो जाता। उसके बाद एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज़ पकड़ते, तो मेरा जो टोटल खर्चा आया वो आया 25,000 रुपीज़, मतलब 25,100 रुपये होता है, तो राउंड फिगर कर देते 25,000। वीडियो का बनाने का यही मकसद था, ये 3 स्टेट जो मैंने कंप्लीट किया है, 3 स्टेट में आपको खर्चा कितना लगेगा ये सब कुछ। तो राइड अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरा ये राइड पे एक ही खराब लगा, मतलब इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर में हम लोग नहीं पहुँचे, हम लोग मोरे क्रॉस करने के बाद 2 किलोमीटर मोरे से आपका 2 किलोमीटर है बॉर्डर, तो मतलब 5 मिनट जैसा लगता हम लोगों को। तो मोरे का बाद हम लोग 1 किलोमीटर जैसे हम लोग गया, वहाँ पे चेक पोस्ट था, मैंने वीडियो में भी बोला मैं नहीं जा पाया, क्योंकि आप सबको पता है उस टाइम हालात ठीक नहीं था मणिपुर का। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा यही की मकसद था, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट राइड करते तो हम लोग और 2 स्टेट करने का मन था, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तब करूँगा, और 2 स्टेट ही खाली मेरा बाकी है नॉर्थ ईस्ट का। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो नॉर्मली हम लोगों का खर्चा वो मैंने आपको बताया, अगर आप जाते मेरा पल्सर 220 लेके हम लोग राइड किए थे, मेरा पल्सर 220 था और अनुपदा का एवेंजर था 220, तो ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज दिया हुआ हम लोगों का। तो बस इस वीडियो को यही पे एंड कर दें, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप दोस्त शेयर करेंगे तो आपका दोस्त जब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट राइड करने में तो आपको पता चल जाएगा आपको इतना खर्चा होने वाला है।